ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين। पारा नंबर 10। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ माल गनीमत तुमने हासिल किया है उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्किनों और मुसाफिरों के लिए है, अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो फैसले के रोज़ यानी दोनों फौजों की मुठभेड़ के दिन हमने अपने बंदे पर नाजिल की थी, तो ये हिस्सा बखुशी अदा करो, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। याद करो वो वक्त जबकि तुम वादी के इस जानिब थे और वो दूसरी जानिब पड़ाव डाले हुए थे और काफिला तुमसे नीचे की तरफ था। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और उनके दरमियान मुकाबले की करारदाद हो चुकी होती तो तुम जरूर उस मौके पर पहलू तही कर जाते। लेकिन जो कुछ पेश आया वो इसलिए था कि जिस बात का फैसला अल्लाह कर चुका था उसे ज़ुहूर में ले आए, ताकि जिसे हिलाक होना है वो दलील रोशन के साथ हिलाक हो और जिसे जिंदा रहना है वो दलील रोशन के साथ जिंदा रहे। यकीनन खुदा सुनने और जानने वाला है। और याद करो वो वक्त जबकि ए नबी खुदा उनको तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था, अगर कहीं वो तुम्हें उनकी तादाद ज्यादा दिखा देता तो जरूर तुम लोग हिम्मत हार जाते और लड़ाई के मामले में झगड़ा शुरू कर देते, लेकिन अल्लाह ही ने इससे तुम्हें बचाया, यकीनन वो सीनों का हाल तक जानता है। और याद करो जबकि मुकाबले के वक्त खुदा ने तुम लोगों की निगाहों में दुश्मनों को थोड़ा दिखाया और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया, ताकि जो बात होनी थी उसे अल्लाह ज़ुहूर में ले आए और आखिरकार सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू होते हैं। हे लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो, तवक्को है कि तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ो नहीं, वरना तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र से काम लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उन लोगों के से रंग ढंग न इख्तियार करो जो अपने घरों से इतराते और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले और जिनकी रविश यह है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। ज़रा ख्याल करो उस वक्त का जबकि शैतान ने इन लोगों के करतूत इनकी निगाहों में खुशनुमा बनाकर दिखाए थे और इनसे कहा था कि आज कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता और ये कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ तो वो उल्टे पाँव फिर गया और कहने लगा कि मेरा तुम्हारा साथ नहीं है, मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देखते, मुझे खुदा से डर लगता है और खुदा बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है। जबकि मुनाफिकीन और वो सब लोग जिनके दिलों को रोग लगा हुआ है कह रहे थे कि इन लोगों को तो इनके दीन ने खब्त में मुब्तला कर रखा है, हालांकि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो यकीनन अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और दाना है। काश तुम उस हालत को देख सकते जबकि फरिश्ते मकतूल काफिरों की रूहें खब्स कर रहे थे, वो उनके चेहरों और उनके कूल्हों पर ज़र्ब लगाते जाते थे और कहते जाते थे, लो अब जलने की सज़ा भुगतो, ये वो जज़ा है जिसका सामान तुम्हारे अपने हाथों ने पेशगी मुहैया कर रखा था, वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। ये मामला उनके साथ उसी तरह पेश आया जिस तरह आले फिरौन और उनसे पहले के दूसरे लोगों के साथ पेश आता रहा है कि उन्होंने अल्लाह की आयत को मानने से इनकार किया और अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया। अल्लाह क़ुव्वत रखता है और सख्त सज़ा देने वाला है। ये अल्लाह की उस सुन्नत के मुताबिक हुआ कि वो किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को अता की हो उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने तर्ज अमल को नहीं बदल देती। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। आले फिरौन और उनसे पहले की कौमों के साथ जो कुछ पेश आया वो इसी ज़ाब्ते के मुताबिक था। उन्होंने अपने रब की आयात को झुटलाया तब हमने उनके गुनाहों की पादाश में उन्हें हलाक किया और आले फ़िरऔन को गर्क कर दिया। ये सब जालिम लोग थे। यकीनन अल्लाह के नज़दीक ज़मीन पर चलने वाली मखलूक में सबसे बदतर वो लोग हैं जिन्होंने हक़ को मानने से इनकार कर दिया, फिर किसी तरह वो उसे कबूल करने पर तैयार नहीं हैं। खुसूसन इनमें से वो लोग जिनके साथ तूने मुआहदा किया, फिर वो हर मौके पर उसको तोड़ते हैं और ज़रा खुदा का खौफ नहीं करते। बस अगर ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिल जाएं, तो इनकी ऐसी खबर लो कि इनके बाद दूसरे जो लोग ऐसी रविश अख्तियार करने वाले हों उनके हवास बाख्ता हो जाएं। तवक्को है कि बदअहदों के इस अंजाम से वो सबक लेंगे। और अगर कभी तुम्हें किसी कौम से ख़यानत का अंदेशा हो तो उसके मुआहदे को अलानिया उसके आगे फेंक दो। यकीनन अल्लाह ख़ाइनों को पसंद नहीं करता। मुनकरीन हक़ इस गलत फहमी में न रहें कि वो बाजी ले गए, यकीनन वो हमको हरा नहीं सकते। और तुम लोग जहाँ तक तुम्हारा बस चले ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े इनके मुकाबले के लिए मुहैया रखो, ताकि इसके ज़रिए से अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और इन दूसरे आदा को खौफजदा कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते, मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदल तुम्हारी तरफ पलटाया जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज़ जुल्म न होगा। और ऐ नबी, अगर दुश्मन सुलह सलामती की तरफ मायल हों तो तुम भी इसके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हों तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है, वही तो है जिसने अपनी मदद से मोमिनों के ज़रिए से तुम्हारी तायीद की और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। तुम रुए ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल न जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े। यकीनन वो बड़ा ज़बरदस्त और दाना है। ऐ नबी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरों अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह ही काफ़ी है। ऐ नबी, मोमिनों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो मुनकरीन हक़ में से 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमज़ोरी है। बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर और 1000 आदमी ऐसे हों तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आएंगे। और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करने वाले हैं। किसी नबी के लिए ये ज़ेबा नहीं है कि उसके पास कैदी हों जब तक कि वो ज़मीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल न दे। तुम लोग दुनिया के फ़ायदे चाहते हो, हालांकि अल्लाह के पेश नज़र आखिरत है और अल्लाह गालिब और हकीम है। अगर अल्लाह का नविश्ता पहले न लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है उसकी पादाश में तुमको बड़ी सज़ा दी जाती। बस जो कुछ तुमने माल हासिल किया है उसे खाओ कि वो हलाल और पाक है, और अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ नबी, तुम लोगों के कब्ज़े में जो कैदी हैं इनसे कहो, अगर अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम्हारे दिलों में कुछ खैर है तो वो तुम्हें उससे बढ़ चढ़ कर देगा जो तुमसे लिया गया है और तुम्हारी खताएं माफ़ करेगा। अल्लाह दरगुजर करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर वो तेरे साथ ख़यानत का इरादा रखते हैं तो इससे पहले वो अल्लाह के साथ ख़यानत कर चुके हैं, चुनांचे उसी की सज़ा अल्लाह ने इन्हें दी कि वो तेरे काबू में आ गए। अल्लाह सब कुछ जानता और हकीम है। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपनी जानें लड़ाईं और अपने माल खपाए, और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वही दरअसल एक दूसरे के वली है। रहे वो लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत करके दारुल इस्लाम में आ नहीं गए, तो इनसे तुम्हारा विलायत का कोई ताल्लुक नहीं है जब तक कि वो हिजरत करके ना आ जाएं। हाँ, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करना तुम पर फ़र्ज़ है, लेकिन किसी ऐसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं जिससे तुम्हारा माहिदा हो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। जो लोग मुनकरे हक़ हैं वो एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अगर तुम ये न करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ा फसाद बरपा होगा। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में घर बार छोड़े और जिद्दोजहद की और जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए ख़ताओं से दरगुजर है और बेहतरीन रिस्क है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत करके आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करने लगे, वो भी तुम्ही में शामिल हैं। मगर अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं। यकीनन अल्लाह हर चीज़ को जानता है। सूरह तौबा, 9वीं सूरत। ऐलाने बरात है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। पस तुम लोग मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और ये कि अल्लाह मुनकिरीन हक़ को रुसवा करने वाला है। इत्तिलाए आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह मुशरिकीन से बरीउ ज़िम्मा है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे ही लिए बेहतर है, और जो मुँह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। और ए नबी, इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दो, वजुज़ उन मुशरिकीन के जिनसे तुमने माहिदे किए, फिर उन्होंने अपने अहद को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो ऐसे लोगों के साथ तुम भी मुद्दत मुआहदे तक वफा करो, क्योंकि अल्लाह मुत्तक़ियों ही को पसंद करता है। पस जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहाँ पाओ, और इन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो इन्हें छोड़ दो। अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। और अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स पनाह मांग कर तुम्हारे पास आना चाहे ताकि अल्लाह का कलाम सुने तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसके मामन तक पहुँचा दो। ये इसलिए करना चाहिए कि ये लोग इल्म नहीं रखते। इन मुशरिकीन के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कोई अहद आखिर कैसे हो सकता है, बजुज़ उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास माहिदा किया था। तो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी उनके साथ सीधे रहो, क्योंकि अल्लाह मुत्तक़ियों को पसंद करता है। मगर इनके सिवा दूसरे मुशरिकीन के साथ कोई अहद कैसे हो सकता है, जबकि उनका हाल ये है कि तुम पर काबू पा जाएं तो न तुम्हारे मामले में किसी क़राबत का लिहाज करें न किसी मुआहदे की जिम्मेदारी का। वो अपनी ज़बानों से तुमको राज़ी करने की कोशिश करते हैं मगर दिल उनके इनकार करते हैं, और उनमें से अक्सर फासिक हैं। इन्होंने अल्लाह की आयात के बदले थोड़ी सी कीमत कबूल कर ली, फिर अल्लाह के रास्ते में सद्दे राह बनकर खड़े हो गए। बहुत बुरे करतूत थे जो ये करते रहे। किसी मोमिन के मामले में न ये क़राबत का लिहाज करते हैं और न किसी अहद की जिम्मेदारी का, और ज़्यादती हमेशा इन्हीं की तरफ से हुई है। बस अगर ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं, और जानने वालों के लिए हम अपने अहकाम वाजे किए देते हैं। और अगर अहद करने के बाद ये फिर अपनी क़समों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन पर हमला करने शुरू कर दें तो कुफ्र के अलमबरदारों से जंग करो, क्योंकि उनकी क़समों का कोई एतबार नहीं, शायद के फिर तलवार ही के ज़ोर से वो बाज आएंगे। क्या तुम न लड़ोगे ऐसे लोगों से जो अपने अहद तोड़ते रहे हैं और जिन्होंने रसूल को मुल्क से निकाल देने का कस्द किया था, और ज़्यादती की इब्तिदा करने वाले वही थे? क्या तुम इनसे डरते हो? अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह इसका ज़्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। इनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सज़ा दिलवाएगा और उन्हें जलील ख़ार करेगा और उनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा और बहुत से मोमिनों के दिल ठंडे करेगा और उनके क़ुलूब की जलन मिटा देगा और जिसे चाहेगा तौबा की तौफीक भी देगा। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना है। क्या तुम लोगों ने यह समझ रखा है कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जिन्होंने उसकी राह में जांफिशानी की, और अल्लाह और रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को जिगरी दोस्त न बनाया। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। मुशरिकीन का ये काम नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों के मुजाविर व खादिम बने, दरा हाले के अपने ऊपर वो खुद कुफ्र की शहादत दे रहे हैं। उनके तो सारे अमाल ज़ाय हो गए और जहन्नम में उन्हें हमेशा रहना है। अल्लाह की मस्जिदों के आबादकार, मुजाविर व खादिम तो वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह और रोज़ आखिर को माने और नमाज कायम करें, ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से न डरें। इन्हीं से ये तवक्को है कि सीधी राह चलेंगे। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की मुजावरी करने को उस शख्स के काम के बराबर ठहरा लिया है जो ईमान लाया अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर, और जिसने जांफशानी की अल्लाह की राह में? अल्लाह के नज़दीक तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, और अल्लाह जालिमों की रहनुमाई नहीं करता। अल्लाह के यहाँ तो उन्हीं लोगों का दर्जा बड़ा है जो ईमान लाए और जिन्होंने उसकी राह में घर बार छोड़े और जान और माल से जिहाद किया, वही कामयाब है। उनका रब उन्हें अपनी रहमत और खुशनुदी और ऐसी जन्नतों की बशारत देता है जहां उनके लिए पायदार ऐश के सामान हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह के पास खिदमात का सिला देने को बहुत कुछ है। हे लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफ़ीक न बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें। तुम में से जो उनको रफ़ीक बनाएंगे वही जालिम होंगे। ऐ नबी कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे अजीज़ व अक़ारिब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वो कारोबार जिनके मान पड़ जाने का तुमको खौफ है और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद हैं, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से अजीज़ तर हैं, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे सामने ले आए, और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं किया करता। अल्लाह इससे पहले बहुत से मौक़े पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अभी ग़ज़वे हुनैन के रोज़ उसकी दस्तगीरी की शान तुम देख चुके हो। उस रोज़ तुम्हें अपनी कसरत तादाद का गर्रा था, मगर वो तुम्हारे कुछ काम ना आई, और ज़मीन अपनी उसत के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भाग निकले। फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल और मोमिनीन पर नाजिल फरमाई। वो लश्कर उतारे जो तुमको नज़र ना आते थे, और मुनकरीन हक़ को सज़ा दी कि यही बदला है उन लोगों के लिए जो हक़ का इनकार करें। फिर तुम ये भी देख चुके हो कि इस तरह सज़ा देने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है तौबा की तौफीक भी बख्श देता है। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, मुशरिकीन नापाक हैं, लिहाजा इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब न फटकने पाएँ। और अगर तुम्हें तंग दस्ती का खौफ है तो बईद नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपने फजल से गनी कर दे। अल्लाह अलीम और हकीम है। जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज़ आखिर पर ईमान नहीं लाते, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते। उनसे लड़ो यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिजिया दें और छोटे बनकर रहें। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी ज़बानों से निकालते हैं उन लोगों की देखा देखी जो इनसे पहले कुफ्र में मुब्तला हुए थे। खुदा की मार इन पर, ये कहाँ से धोखे खा रहे हैं। इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है, और इसी तरह मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि इनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, पाक है वो इन मुश्रिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपनी फूकों से बुझा दें, मगर अल्लाह अपनी रोशनी को मुकम्मल किए बगैर मानने वाला नहीं है, खा काफिरों को ये कितना ही नागवार हो। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि उसे पूरी जिन से दीन पर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिकों को ये कितना ही नागवार हो। हे लोगो जो ईमान लाए हो, इन अहले किताब के अक्सर उलमा और दरवेशों का हाल ये है कि वो लोगों के माल बातिल तरीक़ों से खाते हैं और उन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं। दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी दो उनको जो सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और उन्हें खुदा की राह में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा कि उसी सोने चांदी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी और फिर उसी से उन लोगों की पेशानियों और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मज़ा चखो। हकीकत यह है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है अल्लाह के नविश्तों में 12 ही है, और उनमें से 4 महीने हराम हैं। यही ठीक ज़ाब्ता है। लिहाजा इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करो और मुश्रिकों से सब मिलकर लड़ो जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों ही के साथ है। नसी तो कुफ्र में एक मजीद काफिराना हरकत है जिससे ये काफिर लोग गुमराही में मुब्तला किए जाते हैं। किसी साल एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल उसको हराम कर देते हैं ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद पूरी भी कर दें और अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल भी कर लें। इनके बुरे अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं, और अल्लाह मुनकिरीन हक़ को हिदायत नहीं दिया करता। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम ज़मीन से चिमट कर रह गए? क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद कर लिया? ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनियावी ज़िंदगी का ये सब सरो सामान आखिरत में बहुत थोड़ा निकलेगा। तुम न उठोगे तो खुदा तुम्हें दर्दनाक सज़ा देगा और तुम्हारी जगह किसी और ग्रोह को उठाएगा, और तुम खुदा का कुछ भी न बिगाड़ सकोगे, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तुमने अगर नबी की मदद न की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह उसकी मदद उस वक्त कर चुका है जब काफिरों ने उसे निकाल दिया था, जब वो सिर्फ 2 में का दूसरा था, जब वो दोनों गार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहा था कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। उस वक्त अल्लाह ने उस पर अपनी तरफ से सुकून क़ल्ब नाजिल किया और उसकी मदद ऐसे लश्करों से की जो तुमको नज़र न आते थे, और काफिरों का बोल नीचा कर दिया, और अल्लाह का बोल तो ऊंचा ही है। अल्लाह ज़बरदस्त और दाना और बीना है। निकलो, ख्वाह हल्के हो या बोझल, और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। ए नबी, अगर फ़ायदा सहलुल हुसूल होता और सफ़र हल्का होता तो वो ज़रूर तुम्हारे पीछे चलने पर आमादा हो जाते, मगर उन पर तो ये रास्ता बहुत कठिन हो गया। अब वो खुदा की कसम खा खा कर कहेंगे कि अगर हम चल सकते तो यकीनन तुम्हारे साथ चलते। वो अपने आप को हिलाकत में डाल रहे हैं। अल्लाह खूब जानता है कि वो झूठे हैं। ए नबी, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, तुमने क्यों इन्हें रुख्सत दे दी? तुम्हें चाहिए था कि खुद रुख्सत न देते ताकि तुम पर खुल जाता कि कौन लोग सच्चे हैं और झूठों को भी तुम जान लेते। जो लोग अल्लाह और रोज़ आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो कभी तुमसे ये दरख्वास्त न करेंगे कि उन्हें अपनी जान और माल के साथ जिहाद करने से माफ़ रखा जाए। अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। ऐसी दरख्वास्तें तो सिर्फ़ वही लोग करते हैं जो अल्लाह और रोज़ आखिर पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में शक है और वो अपने शक ही में मुतरद्दिद हो रहे हैं। अगर वाकई उनका इरादा निकलने का होता तो वो इसके लिए कुछ तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसंद ही न था, इसलिए उसने उन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया गया कि बैठ रहो बैठने वालों के साथ। अगर वो तुम्हारे साथ निकलते तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवा किसी चीज़ का इजाफा न करते। वो तुम्हारे दरमियान फितना पर्दाजी के लिए दौड़ धूप करते। और तुम्हारे ग्रोह का हाल ये है कि अभी इनमें बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनकी बातें कान लगाकर सुनते हैं। अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। इससे पहले भी इन लोगों ने फितना अंगेजी की कोशिशें की हैं और तुम्हें नाकाम करने के लिए ये हर तरह की तदबीरों का उलट फेर कर चुके हैं, यहाँ तक कि इनकी मर्जी के खिलाफ हक आ गया और अल्लाह का काम होकर रहा। इनमें से कोई है जो कहता है मुझे रुख्सत दे दीजिए और मुझको फितने में न डालिए। सुन रखो, फितने ही में तो ये लोग पड़े हुए हैं और जहन्नम ने इन काफिरों को घेर रखा है। तुम्हारा भला होता है तो इन्हें रंज होता है और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश पलटते हैं और कहते जाते हैं कि अच्छा हुआ हमने पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया था। इनसे कहो हमें हरगिज़ कोई बुराई या भलाई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। अल्लाह ही हमारा मौला है और अहले ईमान को उसी पर भरोसा करना चाहिए। इनसे कहो तुम हमारे मामले में जिस चीज़ के मुंतज़िर हो वो इसके सिवा और क्या है कि दो भलाइयों में से एक भलाई है, और हम तुम्हारे मामले में जिस चीज़ के मुंतज़िर हैं वो ये है कि अल्लाह खुद तुमको सज़ा देता है या हमारे हाथों दिलवाता है। अच्छा, तो अब तुम भी इंतज़ार करो और हम भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हैं। इनसे कहो तुम अपने माल खाह राजी खुशी खर्च करो या बकराहत, बहरहाल वो कबूल न किए जाएंगे क्योंकि तुम फासिक लोग हो। इनके दिए हुए माल कबूल न होने की कोई वजह इसके सिवा नहीं है कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया है। नमाज के लिए आते हैं तो कसमसाते हुए आते हैं और राह खुदा में खर्च करते हैं तो बादिल नाखास्ता खर्च करते हैं। इनके मालो दौलत और उनकी कसरत औलाद को देखकर धोखा न खाओ। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से इनको दुनिया की ज़िंदगी में भी मुब्तलाए अजाब करे और ये जान भी दें तो इनकार हक़ ही की हालत में दें। वो खुदा की कसम खा खा कर कहते हैं कि हम तुम्ही में से हैं, हालांकि वो हरगिज़ तुम में से नहीं हैं। असल में तो वो ऐसे लोग हैं जो तुमसे खौफ ज़दा हैं। अगर वो कोई जाए पनाह पालें या कोई खोह या घुस बैठने की जगह तो भाग कर उसमें जा छुपें। ए नबी, इनमें से बाज़ लोग सदक़ात की तकसीम में तुम पर एतराज़ात करते हैं। अगर इस माल में से इन्हें कुछ दे दिया जाए तो खुश हो जाए और न दिया जाए तो बिगड़ने लगते हैं। क्या अच्छा होता कि अल्लाह और रसूल ने जो कुछ भी उन्हें दिया था उस पर वो राज़ी रहते और कहते कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वो अपने फजल से हमें और बहुत कुछ देगा और उसका रसूल भी हम पर इनायत फरमाएगा। हम अल्लाह ही की तरफ नज़र जमाए हुए हैं। ये सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ात के काम पर मामूर हों और उनके लिए जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मतलूब हो। नेज़ ये गर्दनों के छुड़ाने और ख़र्ज़ारों की मदद करने में और राह खुदा में और मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए हैं। एक फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना और बीना है। इनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स कानों का कच्चा है, कहो वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा है। अल्लाह पर ईमान रखता है और अहले ईमान पर एतमाद करता है और सरासर रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमानदार हैं। और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ये लोग तुम्हारे सामने खसमें खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी करें, हालांकि अगर ये मोमिन हैं तो अल्लाह और रसूल उसके ज़्यादा हकदार हैं कि ये इनको राज़ी करने की फ़िक्र करे। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है उसके लिए दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। ये बहुत बड़ी रुसवाई है। ये मुनाफिक डर रहे हैं कि कहीं मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाजिल न हो जाए जो इनके दिलों के भेद खोल कर रख दे। ए नबी, इनसे कहो और मजाक उड़ाओ, अल्लाह उस चीज़ को खोल देने वाला है जिसके खुल जाने से तुम डरते हो। अगर इनसे पूछो कि तुम क्या बातें कर रहे थे तो झट कह देंगे कि हम तो हंसी मजाक और दिल लगी कर रहे थे। इनसे कहो, क्या तुम्हारी हंसी दिल लगी अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल ही के साथ थी? अब उजरात न तराशो। तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया है। अगर हमने तुम में से एक गिरोह को माफ़ कर भी दिया तो दूसरे गिरोह को तो हम ज़रूर सज़ा देंगे क्योंकि वो मुजरिम है। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे के हम रंग हैं। बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ खैर से रोके रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी इन्हें भुला दिया। यकीनन ये मुनाफिक ही फासिक हैं। इन मुनाफिक मर्दों और औरतों और काफिरों के लिए अल्लाह ने आतिश दोज़ख का वादा किया है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, वही उनके लिए मौजू है। इन पर अल्लाह की फिटकार है और उनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। तुम लोगों के रंग ढंग वही हैं जो तुम्हारे पेशरों के थे। वो तुमसे ज़्यादा जोरावर और तुमसे बढ़कर माल और औलाद वाले थे। फिर उन्होंने दुनिया में अपने हिस्से के मज़े लूट लिए और तुमने भी अपने हिस्से के मज़े उसी तरह लूटे जैसे उन्होंने लूटे थे। और वैसी ही बहसों में तुम भी पड़े जैसी बहसों में वो पड़े थे। सो उनका अंजाम ये हुआ कि दुनिया और आखिरत में उनका सब किया धरा ज़ाया हो गया और वही खसारे में है। क्या इन लोगों को अपने पेशवों की तारीख नहीं पहुंची? नूह की कौम, आद, समूद, इब्राहीम की कौम, मदियन के लोग और वो बस्तियां जिन्हें उलट दिया गया। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, फिर ये अल्लाह का काम न था कि इन पर जुल्म करता, मगर वो आप ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफीक हैं। भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होकर रहेगी। यकीनन अल्लाह सब पर गालिब और हकीम व दाना है। इन मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है कि इन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। इन सदाबहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा क़याम गाहें होंगी और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की खुशनुदी इन्हें हासिल होगी। यही बड़ी कामयाबी है। ऐ नबी, कुफ़ार और मुनाफिकीन दोनों का पूरी क़ुव्वत से मुकाबला करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, आखिरकार उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बदतरीन जाए करार है। ये लोग खुदा की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने ज़रूर वो काफिराना बात कही है। वो इस्लाम लाने के बाद कुफ्र के मुर्तकिब हुए और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसे कर ना सके। ये इनका सारा गुस्सा इसी बात पर है ना कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उनको गनी कर दिया है। अब अगर ये अपनी इस रविश से बाज आएं तो इन्हीं के लिए बेहतर है, और अगर ये बाज ना आए तो अल्लाह इनको निहायत दर्दनाक सज़ा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और ज़मीन में कोई नहीं जो उनका हिमायती और मददगार हो। इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर इसने अपने फजल से हमको नवाजा तो हम खैरात करेंगे और साले बनकर रहेंगे, मगर जब अल्लाह ने अपने फजल से उनको दौलतमंद कर दिया तो वह बुखल पर उतर आए और अपने अहद से ऐसे फिरे कि उन्हें उसकी परवाह तक नहीं है। नतीजा ये निकला कि उनकी इस बदअहदी की वजह से जो उन्होंने अल्लाह के साथ की और उस झूठ की वजह से जो वो बोलते रहे, अल्लाह ने इनके दिलों में निफाक बिठा दिया जो उसके हुजूर उनकी पेशी के दिन तक इनका पीछा न छोड़ेगा। क्या ये लोग जानते नहीं हैं कि अल्लाह को उनके मख्फी राज और उनकी पोशीदा सरगोशियां तक मालूम हैं और वो तमाम गैब की बातों से पूरी तरह बाखबर है। वो खूब जानता है उन कंजूस दौलतमंदों को जो बरजा व रगबत देने वाले अहले ईमान की माली कुर्बानियों पर बातें छाटते हैं और उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जिनके पास राह खुदा में देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है जो वो अपने ऊपर मशक्क़त बर्दाश्त करके देते हैं। अल्लाह इन मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाता है और इनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ए नबी, तुम ख्वाह ऐसे लोगों के लिए माफ़ी की दरख्वास्त करो या ना करो, अगर तुम 70 मरतबा भी इन्हें माफ़ कर देने की दरख्वास्त करोगे तो अल्लाह इन्हें हरगिज़ माफ़ न करेगा, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और अल्लाह फासिक लोगों को राह नजात नहीं दिखाता। जिन लोगों को पीछे रह जाने की इजाज़त दे दी गई थी वो अल्लाह के रसूल का साथ न देने और घर बैठे रहने पर खुश हुए और उन्हें गवारा न हुआ कि अल्लाह की राह में जान माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा कि इस सख्त गर्मी में न निकलो, इनसे कहो कि जहन्नम की आग इससे ज़्यादा गर्म है, काश इन्हें इसका शऊर होता। अब चाहिए कि ये लोग हंसना कम करें और रोएं ज़्यादा, इसलिए कि जो बदी ये कमाते रहे हैं उसकी जज़ा ऐसी ही है कि इन्हें इस पर रोना चाहिए। अगर अल्लाह इनके दरमियान तुम्हें वापस ले जाए और आइंदा इनमें से कोई ग्रोह जिहाद के लिए निकलने की तुमसे इजाज़त मांगे तो साफ कह देना, अब तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं चल सकते और न मेरी मायत में किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। तुमने पहले बैठ रहने को पसंद किया था तो अब घर बैठने वालों ही के साथ बैठे रहो। और आइंदा इनमें से जो कोई मरे उसकी नमाज जनाजा भी तुम हरगिज़ न पढ़ना और न कभी उसकी खबर पर खड़े होना, क्योंकि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और वो मरे हैं इस हाल में कि वो फासिक थे। उनकी मालदारी और उनकी कसरत औलाद तुमको धोखे में न डाले। अल्लाह ने तो इरादा कर लिया है कि इस माल व औलाद के ज़रिए से उनको इसी दुनिया में सज़ा दे और इनकी जानें इस हाल में निकले कि वो काफिर हों। जब कभी कोई सूरह इस मजमून की नाजिल हुई कि अल्लाह को मानो और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो तुमने देखा कि जो लोग इनमें से साहिब मकदरत थे वही तुमसे दरख्वास्त करने लगे कि इन्हें जिहाद की शिरकत से माफ़ रखा जाए, और इन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ रहें। इन लोगों ने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया गया, इसलिए इनकी समझ में अब कुछ नहीं आता। बखिलाफ इसके रसूल ने और उन लोगों ने जो रसूल के साथ ईमान लाए थे अपनी जान और माल से जिहाद किया, और अब सारी भलाइयाँ उन्हीं के लिए हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। यह है अज़ीमुश्शान कामयाबी। बदवी अरबों में से भी बहुत से लोग आए जिन्होंने उज़्र किए ताकि उन्हें भी पीछे रह जाने की इजाज़त दी जाए। इस तरह बैठ रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा अहद किया था, इन बदवियों में से जिन लोगों ने कुफ्र का तरीक़ा इख्तियार किया है, अनकरीब वो दर्दनाक सज़ा से दोचार होंगे। ज़ईफ़ और बीमार लोग और वो लोग जो शिरकत जिहाद के लिए ज़्यादा राह नहीं पाते, अगर पीछे रह जाएं तो कोई हर्ज नहीं, जबकि वो खुलूस दिल के साथ अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हों। ऐसे मोहसिनीन पर एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, और अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसी तरह उन लोगों पर भी कोई एतराज़ का मौका नहीं है जिन्होंने खुद आकर तुमसे दरख्वास्त की थी कि हमारे लिए सवारियां बहम पहुंचाई जाए, और जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सवारियों का इंतज़ाम नहीं कर सकता, तो वो मजबूरन वापस गए, और हाल ये था कि उनकी आंखों से आंसू जारी थे और इन्हें इस बात का बड़ा रंज था कि वो अपने खर्च पर शरीक जिहाद होने की मकदरत नहीं रखते। अलबत्ता एतराज़ उन लोगों पर है जो मालदार हैं और फिर भी तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें शिरकत जिहाद से माफ़ रखा जाए। इन्होंने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया, इसलिए अब ये कुछ नहीं जानते कि अल्लाह के यहाँ उनकी इस रविश का क्या नतीजा निकलने वाला है।